अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है उकवा बस स्टैंड का सामुदायिक शौचालय। उकवा बस स्टैंड के सामुदायिक शौचालय का बदतर हुआ हाल, गंदगी और बदबू से आसपास के लोग हैं परेशान। करीब 2 लाख की लागत से बना है यह सामुदायिक शौचालय, फिर भी नहीं है कोई व्यवस्था। पानी की टंकी है ना ही नल, ना ही पानी की कोई व्यवस्था। सिर्फ 1 साल पहले बना उकवा बस स्टैंड का यह सामुदायिक शौचालय, 1 साल में इस सामुदायिक शौचालय का हुआ बदतर हाल। पंचायत और प्रशासन, आखिर किसकी है ये जिम्मेदारी? बालाघाट जिले की जनपद पंचायत परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उकवा बस स्टैंड में सार्वजनिक शौचालय इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है, जिसकी ना देखरेख की जा रही है, ना ही साफ सफाई और ना ही अब वह शौचालय शौच के लायक बच पाया है। शौचालय के बाहर से अंदर से निकलने वाली गंदगी और दुर्गंध से ग्रामीण जनों का जीना दुश्वार हो गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि उसकी देखरेख ना ही पंचायत के द्वारा की जा रही है और ना ही इसकी जिम्मेदारी किसी और को दी गई है, जिसके चलते इन दिनों सामुदायिक शौचालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वही जानकारी देते हुए ग्रामवासियों का कहना है कि मात्र 1 साल पहले ही बने सामुदायिक शौचालय का जब यह हाल है तो 24 सालों से बने शौचालयों का क्या हाल होता होगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय की लागत करीब 2 लाख है, जिसमें ना किसी भी प्रकार की सुविधा है, ना तो पानी की टंकी लगाई गई है, ना ही नल, ना ही पानी की सुविधा और ना ही उसका कोई उपयोग हो रहा है। शौचालय के बाहर से अंदर तक गंदगी ही गंदगी और दुर्गंध फैली है, जिससे कई बीमारी फैलने का भी डर है। बस स्टैंड के सामुदायिक शौचालय से निकलने वाली गंदगी से बस स्टैंड में आने वाले लोगों और ग्राम वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाले अधिकारियों और पंचायत के कर्मचारी पर कार्यवाही की जानी चाहिए। आपको बता दें कि जिले में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते बारिश के कारण और भी गंदगी बच बचा रही है और ग्रामीणों को बाथरूम और शौच जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक शौचालय में सफाई की कोई व्यवस्था ना होने से चारों तरफ गंदगी और बदबू फैली है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। मेरा नाम है लतीश बिसेन जी, कहाँ रहते हैं? मैं उकवा रहता हूँ, वार्ड नंबर 7। ये क्या चीज है? ये बस उकवा बस स्टैंड है। अच्छा, अभी आप कहाँ खड़े हैं? पंचायत सामुदायिक शौचालय में पूरा गंदगी और पूरा धंडास किया हुआ है, बदबू बहुत आ रहा है। कब बना है ये? करीब 1 साल पहले बना हुआ है। अच्छा, ये सामुदायिक शौचालय है? सामुदायिक शौचालय तो समाधान अभी तक हो नहीं पाया है, कोई देख रेख पंचायत से तो है नहीं, पूरा ना टाइप का छोड़ दिए हैं, पूरा गंदगी से भरा हुआ पड़ा है। जल्दी जल्दी कम से कम साफ सफाई रहे तो थोड़ा लोगों को वो मिले। नल है ना, पानी टंकी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसकी भी पंचायत सुविधा करे। हमने जब इतना पैसा दी और खर्च करी पैसा, तो उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए पंचायत को अपने तरफ से ध्यान देके बनवाना चाहिए, पानी टंकी लगवाना चाहिए, नल नहीं है, कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है, जिससे लोग खुले में शौच ना करें और बीमारी का शिकार होने से बचे। लेकिन ग्राम पंचायत उकवा का सामुदायिक शौचालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन स्वच्छता के उद्देश्य सार्वजनिक शौचालय का निर्माण लाखों रुपए की राशि देकर कर पाता है, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने काम में लीपापोती कर राशि का दुरुपयोग कर घटिया निर्माण करवाया है और इसकी कोई देखरेख तक नहीं हुई। आप खुद देखिए सामुदायिक स्वच्छता शौचालय का कैसा बुरा हाल है। इतनी गंदगी, बदबू और टूटे हुए दरवाजे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत उकवा के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।